जब कौम को आप बहसियत है, आप देख लें टिकटॉक कितनी जबरदस्त जिंदगी है, असल में कुछ भी नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज के एक क्लिप बन सकता है और उसके अंदर एवरीबॉडी इज अ हीरो, तो हमें टिकटॉक के अंदर मजा आ रहा है, सुकून आ रहा है। असल जिंदगी में आपके पास कुछ भी नहीं है, ना वो फॉलोअर्स हैं, ना वो शान व शौकत है, ना वो इज्जत है, लेकिन वो दो मिनट की क्लिप या 30 सेकंड की क्लिप से आप अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं। यू वांट टू लिव मोर, कि मैं और जीना चाहता हूं, कि ये इज्जत ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट दुनिया के अंदर, इनटैजिबल दुनिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर बड़े फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं, आई वांट टू लिव मोर। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम्हारा हाल ये हो जाए कि तुम्हें दुनिया ज्यादा अच्छी लगना शुरू हो जाए, मोहब्बत दिल के अंदर आ जाए और आखिरत दूर लगना शुरू हो जाए और मौत से नफरत होना शुरू हो जाए, तो बस वेट करना, तुम्हारी हैसियत कोई नहीं होगी इस दुनिया के अंदर। तुम्हें जो चाहेगा आके, कोई यहां से आके खा जाएगा, कोई वहां से जुल्म कर देगा, कोई जमीन का वो हिस्सा ले लेगा, कोई तुम्हारे कल्चर की धज्जियां उड़ा देगा, कोई सकाफत की धज्जियां उड़ा देगा, कोई दीन की धज्जियां उड़ा देगा, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, बिकॉज तुम्हारे अंदर वायरस घुस चुका है, और वो है दुनिया से मोहब्बत का और आखिरत से नफरत और दूरी का। क्यों समझते हो बड़ी दूर की बात है, इन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहु करीबा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं ये बड़ा दूर देखते हैं आखिरत को, व नराहु करीब, और हम इसको बड़ा करीब देखते हैं।